कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर वी डिड इन क्लास इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। अब जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है वो हिसाब से जो एमसीक्यूज का पार्ट है मैं उसको फिलहाल साइड में रखता हूँ। जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, पूरा सोल्यूशन लिख के दिखाना पड़ेगा, जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। द क्वेश्चंस व्हिच वी सॉल्व इन क्लास दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इफ यू से कि अरे उतना भी करने को अपने पास टाइम कम है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बट अभी रिवाइज करने में वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वेल फाइन नो वरीज, कोई बात नहीं है। अगर वैसा भी है सो यू कैन सिलेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डियर एग्जाम अपीयरेंस। तो आप एक तरह से समझो पिछले 4 या 5 पेपर उठा लो और उसमें आप देखो। हाँ बट उसको देखते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफी कुछ चेंज हुआ है सिलेबस में, चेंजेस है। सो अगर पास्ट के आपको फॉर एग्जाम्पल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ यू सी एनी क्वेश्चन लाइक दिस जिसमें डिफरेंशियल ऐसा कुछ देखता हूँ सो यू हैव टू अवॉइड इट, राइट। ये जैसा आपने M2 में देखा था सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया सो यू हैव टू अवॉइड इट, व्हाई बिकॉज़ इट इज नो मोर इन द सिलेबस। और अगर आप लोगों ने कॉलेज में ये जो होता था मिनी प्रोजेक्ट एंड यूनिट टेस्ट जिसमें ये सेल्फ लर्निंग पार्ट आता था वो किया होगा अच्छे से तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा हाँ ये वाला पार्ट तो अपने सिलेबस में नहीं है। या ज्यादा सिंपल तरीका है पता करने का, अपने क्लास का नोटबुक देखो, हमने जो क्लास में किया है वही है, बाकी जो नहीं किया वो नहीं है, ठीक है। ओके सो सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले तो आपको वही पढ़ना है जो हम लोगों ने क्लास में किया है, ठीक है। या जो क्लास में नहीं थे अगर वो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिछले आप 3-4 पेपर जो है उसको भी इसके उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन करके जाओ टाइप वाइज, टॉपिक वाइज एंड देन टाइप वाइज, देन यू शुड बी एबल टू डू दैट सब्जेक्टिव वाला पार्ट। नाउ कमिंग टू एमसीक्यूज, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुना। आप लोगों के डाउट्स मैं लूंगा बाद में, हाँ ठीक है। अभी स्टार्टिंग के जस्ट कुछ 30 मिनट्स आप मुझे दे दो, उसके बाद आई विल ओपन दिस फॉर डाउट्स। सो आपके पर्सनल क्वेरीज जो भी रहेंगे मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है अब उसमें क्या होने वाला है, ये काफी लोग सोच रहे होंगे कि कैसा होगा क्या होगा। हो सकता है आपने कॉलेज के मॉक टेस्ट में ये चीज को फील किया होगा कि कैसे टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। नाउ जैसे हम लोगों ने क्लास में करवाया है उस बेसिस पे मैं आपको बताता हूं। व्हेन वी स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक वी डिस्कस कॉन्सेप्ट्स, या मैं टाइप टॉपिक की भी बात नहीं करता हूं, टॉपिक के अंदर भी अलग अलग टाइप्स रहते थे। सो वी यूज टू डिस्कस कंसेप्ट बिहाइंड ईच एंड एवरी टाइप बिफोर वी स्टार्ट। वो जो भी डिस्कशन होता था ना उसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है। I'll just give you an example. Remember complex variable? उसमें type 2 हम लोगों ने start किया harmonic functions. So type 2 में harmonic functions में मैंने आपको बताया if you're dealing in Cartesian, then u will be harmonic if dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to zero. Yes, तो shortcut notation में हम लोग क्या लिख सकते हैं? u x x plus u y y that is equal to zero. This is for Cartesian and for polar some other formula is there. So आपको एक छोटा सा MCQ आ सकता है। अब वैसे ये MCQ तो आना नहीं चाहिए, it's very easy. The Laplace equation is given by, ध्यान रहे harmonic function में ये जो equation था इसको हम लोग क्या बोलते थे? Laplace equation, ठीक है। So you shouldn't get confused with Laplace transform topic. This is complex variable topic only, type 2 harmonic function in which this formula is called Laplace equation. Clear? So, which of the following is Laplace equation? We can ask you that question. अब इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं पता है? ऑप्शन देंगे, पहला अपना लाप्लास वाला डेफिनेशन याद है, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो लोग ये लिख के दे देंगे। नाउ इसमें क्या गलती कर सकता है इंसान? एक ऑप्शन में ये है, दूसरा ऑप्शन मान लो ये है, ठीक है, तीसरा और चौथा क्या है वो छोड़ दो। सो वॉट पीपल विल थिंक, जस्ट एक नाम देखा लाप्लास, ओ लाप्लास, अच्छा ये लाप्लास है, ये आंसर लिखा गए नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाप्लास इक्वेशन? दिस इज नॉट लाप्लास इक्वेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो बोलते हैं ना छोटे छोटे शब्दों के साथ खिलवाड़। तो जैसा आपने सीईटी में एक्सपीरियंस किया होगा और आईआईटी जेईई मेंस या कोई भी आप एप्टीट्यूड एग्जाम ले लो, कोई भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं बट ट्विस्ट करके थोड़ा कंसेप्ट्स के साथ खेल के। अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, ये तो चलो हो गया, देखिए ना आस्क यू सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो। एमसीक्यू डजंट ओनली मीन कि दे आर गोइंग टू प्ले विद कॉन्सेप्ट्स, दे कैन आल्सो डू दिस।
मैं एक काम करता हूँ कि वन साइडेड इसको लिखता हूँ ताकि दो चार चीजें एक साथ में कर सकते। लेकिन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ से टी ई रेस टू माइनस टू टी साइन टी इज, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंस वो ब्लैंक का ऑप्शन आपको दिया रहेगा ए बी सी डी। भाई ये क्या है अभी, इज दिस एमसीक्यू? नो, दिस इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका मतलब क्या, एक तरह से आपको अपना पेन और पेपर लेके जो आपका वर्किंग शीट होगा आपके पास उस पे इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा यू जस्ट हैव टू मैच इट विद द ऑप्शन, इजंट इट? अब ये कैसे करते थे आपको याद है ना, टी इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन भूला, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कब अप्लाई करते हैं लास्ट में, भूला, साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो फास्ट कैसे करना है, फिर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो माइनस डी बाई डी एक्स और बाद में इसका टर्म फूकेगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, 1 अपॉन इसको x समझो, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो 1 अपॉन दिस का माइनस 1 बाय दिस स्क्वायर, पर ये तो दिस है तो इसका वापस है, तो s स्क्वायर का 2s और 1 का 0। अब मन में इसको सिंपलीफाई मत करो, मन में ही देखो ये वाला पार्ट करने के बाद आपको e raise to minus 2t मतलब ये s का टर्म क्या होगा, s plus 2, ये s plus 2, बस देखो मैच करो कौन सा आंसर आपके साथ सामने आ रहा है। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव डजंट ओनली मीन कि एकदम प्रॉपर ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होगा, नहीं, आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क के लिए यूजुअली अपीयर होता है वो भी पूछा जा सकता है। अब इसमें एक और चीज, टाइम कम आई मीन टाइम बचाने के लिए देखिए आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, मैं बताता हूं देखो ध्यान से सुनना। अगर मान लो एमसीक्यूज मेरे थोड़े ज्यादा सब्जेक्टिव हो रहे हैं, मान लो मैं पेपर सेट कर रहा हूं और एमसीक्यूज में ना थोड़ा ज्यादा मेरे को ऐसा खुद फील हो रहा है कि स्टूडेंट्स विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व दिस एंड दैट शुडंट बी जस्टिफाइड, राइट? अगर 20 एमसीक्यूज है आपको 40 मिनट्स मिलने वाले उसके, तो बस उतने में हो जाना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इसमें छोटा सा ट्रिक डाल दूंगा, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, अब मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिखता हूं, चलो Now, which one is correct? B? B option बहुत प्रॉब्लम है। Perfect. क्या बात है? अब देखो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं यार, जस्ट कंसिडर दिस, जिसको ये टाइप अच्छे से पता है, अगर किसी ने ये टॉपिक अभी तक नहीं रिवाइज किया, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट जिन्होंने रिवाइज कर लिया एक बोला ऐसे चुटकी में आंसर आता है, t into sin t है, यहाँ dt मैंने लिखा नहीं, इग्नोर करना, तो sin t का लाप्लास 1 upon s square plus 1 अभी मैंने यहाँ पे किया था, फिर into t यानी इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी उसका आप डेरिवेटिव लोगे, तो 1 upon s square plus 1 का डेरिवेटिव माइनस 2s upon s square plus 1 का स्क्वायर, और याद करो ये वाला कंसेप्ट क्या था, इंटीग्रल 0 टू t, मीनिंग समझ आया? ये लाप्लास ऑफ इंटीग्रल वाला टाइप है जिसमें हम लोग करते क्या है, जब ये अंदर वाले का पूरा आंसर आ गया ना उसमें खाली बाजू में 1 बाय s मल्टीप्लाई कर देते थे, सो इफ यू मल्टीप्लाई दैट टर्म विच यू गॉट विद 1 बाय s दैट s विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड, आपका आंसर फिर ये है, समझ गए? तो काफी लोग हो सकता है यहाँ पे ये वाला आंसर देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे s आया, हाँ इंटीग्रल में अपॉन में s आता है, सी हाउ डिसीविंग दिस कैन बी, वो आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, घाई में कभी भी एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करने का, ये बात ध्यान रखना, आपको घाई करना है मैं आपको हाँ ये भी बता देता हूं, एमसीक्यूज में ना इफ दे आर गिविंग यू टाइम 40 मिनट्स, पूरा 40 मिनट्स आपके लिए ऐसा सोच के चलो, ये मत सोचो नहीं जैसे अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में करते थे ना, नहीं नहीं इफ इट इज फॉर 3 आवर्स वी शुड कंसिडर, एक्चुअली वी शुड कंसिडर इट एज 2 आवर 30 मिनट्स ओनली, क्यों भाई क्या करना है एक्स्ट्रा टाइम बचा के, आपको क्या करना है MCQ और MCQs ऐसा है, MCQs में अगर आपने लास्ट के 10 मिनट बचा लिए
कि चलो मैं वापस से रीचेक करूंगा, तो वापस रीचेक नहीं होता एमसीक्यूज, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। सो एमसीक्यूज को एकदम श्योरिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ वन अटेम्प्ट में ही करना है, एंड यू डोंट हैव टू लुक बैक देन। ठीक है, फिर बाद में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शंस, और ह्यूमन नेचर है यार, चार ऑप्शन में ये होगा क्या, नहीं यार ये होगा क्या, ऐसा आता है मन में। ठीक है, सो कन्विक्शन के साथ करना है। सो पूरा 40 मिनट्स आप यूटिलाइज कर लो। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, कुछ एमसीक्यूज आपका ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लेंगे, कुछ एमसीक्यूज जो सब्जेक्टिव होंगे वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, तो उधर आप टाइम डेडिकेट करो। सो मैं कैसे करूंगा आपको सजेस्ट, या अगर सपोज मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, सो एमसीक्यूज मेरे जो 20 मेरे सामने है, उसमें जो सब्जेक्टिव वाला होगा मैं उसको देखूंगा ही नहीं पहले, मतलब देखूंगा और दिख के पता चलेगा ना कि सब्जेक्टिव है, तो नहीं भाई नहीं सॉल्व करने का, आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू को अटेम्प्ट करूंगा जो थियोरेटिकल या सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव ही टाइप हो, जिसको देख के मैं फटाफट खाली 2-3 कलम घुमाया और मेरा काम हो गया, मैं उसको पहले मार्क कर लूंगा, देन आई विल गो फॉर सब्जेक्टिव वन। ठीक है, अगर आपको घाई करना ही है तो आप सब्जेक्टिव में करो, और सब्जेक्टिव सेक्शन में घाई उसमें करो जो पार्ट आपको पक्का अच्छे से आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज दे गिव यू अ क्वेश्चन कि इनवर्स लाप्लास का क्वेश्चन दे दिया, ये वाला, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। अब ये क्वेश्चन इतना फेमस है, आपने क्लास में किया था, आपको याद होगा, वी पुट s2 + 2s as x, रिमेंबर, इसको हम लोगों ने x पुट कर दिया, सो ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और आंसर आता है। अगर आपने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है तो ये आपके दिमाग में तो है, आपके हाथों पर भी बैठा हुआ है, तो आप इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो, सॉरी थोड़ा कम टाइम ले लो, थोड़ा घाई कर लो, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो चीज नहीं आती उसके लिए घाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, एमसीक्यूज स्पेसिफिकली। तो अब एक काम करता हूं, आपको एक बार पहले ओवरव्यू में बता देता हूं कि आपको रिविजन करते टाइम टॉपिक्स का प्रायोरिटी क्या रखना है, और वो प्रायोरिटी के बाद में आपको एक बार लेके चलता हूं वही पीडीएफ फाइल पे, जो आप लोग काफी टाइम से एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हो, आपके पास है भी, कि एग्जाम के लिए गाइडलाइंस क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा भी फर्ज बनता है आपको वो बताना। सो पहले टॉपिक्स, सबसे पहले अगर किसी को कुछ प्रिपेयर करना है तो वो मैं सजेशन दूंगा आपको, आपके ब्रांच का टॉपिक। लाइक फॉर कंप्यूटर्स एंड आईटी यू हैव प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशंस एंड कर्व फिटिंग, तो कंप्यूटर्स एंड आईटी ब्रांच स्टूडेंट सबसे पहले आप जाकर वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि दैट पार्ट इज देयर व्हिच इज गोइंग टू हैव सम, बोलते ना अपना वेटेज तो काफी है ही, और वो इजी भी है, वो ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, तो आप पहले वो करो। दूसरे ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएचटीसी पे अगर मैं जाऊं तो आप लोगों को है वेक्टर्स, और अलोंग विद वेक्टर यू हैव मैट्रिसेस एज वेल। अब मैट्रिसेस भी ऐसा टॉपिक है जिसपे एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, इवन वेक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल वेक्टर में मैं एग्जांपल ही देता हूँ ना, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू जो बन सकता है, द डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये मैं जिनको वेक्टर्स है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी लोग बस आप मुझे 2 मिनट देना, आप तब तक 1 मिनट अपना दिमाग कहीं और ले लो। डाइवर्जेंस एंड कर्ल आर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आर, फिर ऑप्शन देगा वो स्केलर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर, फिर स्केलर एंड वेक्टर, ऐसा करके आपको चार ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब आपको ये बेसिकली कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है तो इसको करने के लिए आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ डॉट प्रोडक्ट स्केलर, तो पहला तो स्केलर होना चाहिए, दूसरा कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट विच मींस वेक्टर, सो स्केलर एंड वेक्टर, दिस ऑप्शन इज राइट, फट से आगे जाओ। अब सोचो ना यार, ये एमसीक्यू करने के लिए आपको 2 मिनट मिला था, आपने इसको 2 सेकंड में कर लिया, आपके पास बच गए 1 मिनट 58 सेकंड्स, जिसको आप सब्जेक्टिव में डेडिकेट कर सकते हो। क्लियर, तो यही मैं बोल रहा हूं। हाँ, अब काफी लोगों को ये भी डाउट आएगा, यहाँ पे ये भी डाउट आपको आ सकता है कि कि हम लोग कंसेप्ट्स को कहां से पढ़े। तो देखो, जिन्होंने लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड किया है, आपको कंसेप्ट्स अलग से पढ़ने के लिए कोई अलग रिसोर्स की जरूरत है नहीं, जो भी आपने पढ़ा है ना उसका जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है ना वही है कंसेप्ट। जैसे हार्मोनिक फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिया, उसमें मैंने 2 नोट लिखाया था,
जो छोटी छोटी बातें, इफ एफ ऑफ जेड इज हार्मोनिक देन यू एंड सॉरी एनालिटिक देन यू एंड वी मस्ट बी हार्मोनिक, बट इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक डजंट मीन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. सो सम कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर वी स्टार्ट अ पर्टिकुलर टाइम. तो वो है, अगर वो भी आप लोगों ने मिस किया है, नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स आपके पास है. नोट्स इन द सेंस जो हम मैंने क्लास में कराया वो ही नहीं, जो आप लोगों को विद्यालंकर से मिला है, जीक्यू और नोट्स जो वी बुक पे अवेलेबल है, आप वो नोट्स देखो. अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा सब पढ़ के हो गया ना, मैं एक दिन ना खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा, खाली ऑब्जेक्टिव, ठीक है कोई बात नहीं, आप उठाओ वो बुक, वी बुक. और वी बुक में ना जहां पे भी टाइप स्टार्ट होता है उसके पहले कुछ कहानी लिखी होती है, कुछ बातें की हुई होती है, वही बातें पढ़ लो, आपका एमसीक्यू प्रिपेयर हो गया. एमसीक्यू प्रिपेयर हो गया इन द सेंस दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टाइप नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है. एमसीक्यू में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप मीनिंग समझ गए ना, जिसमें सॉल्व करना पड़ता है वो सब्जेक्टिव हो गया, जो डायरेक्ट कंसेप्ट में बेस्ड होता है वो ऑब्जेक्टिव हो गया. सो वी बुक में टाइप जहां स्टार्ट होता है उसके पहले जो बातें लिखी होती है, दोज आर बेसिकली कंसेप्ट्स. एंड इन क्लास दोज हैव अटेंडेड क्लास, तो जब आपने नोट्स मेंटेन किया होगा तो जो स्टार्ट में मैं चीजें लिखा देता था, टाइप स्टार्ट करके क्वेश्चन का लिस्ट देता था, उसके पहले जो चीजें हम लोग लिखते थे दोज आर कंसेप्ट्स, ठीक है. ओके, अब टॉपिक वाले बात पे मैं वापस आता हूँ. सो और मैं ऑटो सिविल प्रोडक्शन, आप लोगों को भी है पीडी, अलग अलग टॉपिक्स है. तो सबसे पहले अपने ब्रांच स्पेसिफिक टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो. उसको करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डेडिकेट करना है तो एक या डेढ़ दिन, उसके ऊपर नहीं. उसके ऊपर जा रहा है तो जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो बाकी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें, टाइम कम रहेगा आपके पास. एंड देन यू हैव टू गो फॉर लाप्लास. अब ये एमसीक्यू वाले पैटर्न के हिसाब से ना लाप्लास टॉपिक की इज्जत और बढ़ गई है, और मुझे लग रहा है कि इसका वेटेज काफी हद तक ये लोग कोशिश मतलब ना चाहते भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लाप्लास में काफी स्कोप है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने का बहुत स्कोप है. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू विल बी डूइंग फर्स्ट. इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डू लाप्लास इनवर्स फर्स्ट एंड देन गो फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. एंड इफ यू डेडिकेट 1.5 डेज और मे बी मोर देन दैट, नॉट मोर देन 2 डेज, दैट्स ऑल्सो फाइन. तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से कर लेना, देन गो फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि उसमें भी स्कोप बनेगा थोड़ा इसका ज्यादा, क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज आने का. सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आप कर लो, ठीक है. पहले मैं यूजुअली बोलता था ऑर्डर ऐसा, लाप्लास पहले करो फिर फूरियर देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, बट अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने इस पैटर्न को बिकॉज ऑफ न्यू एग्जाम पैटर्न. तो आपने पहले कर लिया लाप्लास इनवर्स, देन लाप्लास फर्स्ट पार्ट, देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड देन कम्स द सेकेंड वन फूरियर सीरीज. फूरियर सीरीज में भी देखो ना, एक ऑब्जेक्टिव लो बता दे, बना देता हूँ. I'll give you a function. If f of x is equal to x mod x is an option, even function, odd function, periodic function, non-periodic function. भाई क्या होगा? चैट बॉक्स में जरा आंसर बताइएगा. क्या बोलते हो? परफेक्ट. देखो अब मुझे इसका आंसर ना बहुत फास्ट मिल गया था जबकि ये सब्जेक्टिव है. हाँ बट मैंने थोड़ा पहले सॉल्व कर दिया था इसके लिए. यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा लोगों को ये क्वेश्चन में. क्यों? आपने चेक किया कि ये इवन है या ऑड है. अब यही है देखो, अगर आपने ना क्लास में जो करवाया है उसको बहुत अच्छे से किया है, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा अगर उतना प्रैक्टिस किया है आपने. एक्स मॉड एक्स, दिस क्वेश्चन वी हैव डन इन क्लास. फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स मॉड एक्स इन इंटरवल -1, 1 शायद किया था हम लोगों ने. तो आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ा है तो आपको तुरंत याद रहेगा, हाँ यार ये तो ऑड फंक्शन है, ठीक है. अगर नहीं है तो आपको चेक करने आता है कैसे, एक्स की जगह -x डाल दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर -f(x) आ गया देन इट इज ऑड, एंड इफ द फंक्शन रिमेन्स सेम इट इज इवन फंक्शन. क्लियर? मतलब ये माइनस बाहर नहीं आता है. क्लियर? और मॉड एक्स है, मॉड एक्स भाई झोल वाला है, वो डेफिनेशन अप्लाई करके हम लोग करते थे, याद होगा आप लोगों को, तो वी बुक पे भी अवेलेबल है.
So yeah, iska answer ho gaya odd function. So this also will take a little bit of time if you're not if you don't remember that we have done this in class. This is an odd function. If you remember well, very good, very fine. कोई टेंशन नहीं है फिर आपको. हाँ, एक और चीज MCQs ना, इसमें कंसेप्ट पे अगर मैं बनाऊ ना, एक बार ध्यान रखना. ये जो हम लोगों ने, ये भी हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था, पीरियोडिक क्या बोलते हैं, फूरियर जब स्टार्ट किया था. बट आई डोंट नो वेदर यू हैव बेसिकली यू नो ध्यान में रखा होगा वो बात. यू हैव नोटिस दैट, आई डोंट नो. हर फूरियर सीरीज के क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस किया होगा, यू आर ऑलवेज सप्लाइड विद वन इंफॉर्मेशन, इंटरवल. हमेशा इंटरवल दिया रहता है. क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि आप जब भी फूरियर सीरीज निकालते हो तो वो फूरियर सीरीज जिस फंक्शन का निकालते हैं, इट इज ऑलवेज अ पीरियोडिक फंक्शन. सो कभी आपको ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि यार आपने इसको फूरियर सीरीज निकालना है, तो फूरियर सीरीज कौन से टाइप के फंक्शन का निकाल सकते हैं? तो पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ओनली इवन फंक्शन, ओनली ऑड फंक्शन, ऐसा सवाल आ सकता है. सो फूरियर सीरीज, इफ यू आर फाइंडिंग व्हाट इज फूरियर सीरीज, इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. दैट्स इट. यही है कंसेप्ट. ओके, सो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है. सो आपका स्टडी ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. एक बार वापस से फट से रिपीट कर देता हूं. सबसे पहले आपके ब्रांच स्पेसिफिक टॉपिक, यानी लाप्लास, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और फूरियर सीरीज को छोड़ के जो बचे हुए टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से करना है. अब उसमें मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकता बिकॉज सब स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांचेस के हैं. ठीक है, तो किसी एक का, एक को बताओ एक को ना बताओ वो ठीक नहीं रहेगा. सो आप उसको सबसे पहले पढ़ो, डेडिकेट वन फुल डे फॉर दैट, बिकॉज वहां से आपको आराम से 15 से 20 मार्क्स तो आराम से वहां से मिलने वाले हैं. और जिनको वेक्टर्स है उनको तो 20 प्लस मार्क्स मिल सकता है. ठीक है, क्योंकि वेक्टर से ज्यादा स्कोप रहेगा क्वेश्चंस आने का. फिर उसके बाद आपको आना है लाप्लास इनवर्स पे, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे, देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड देन फूरियर सीरीज. ठीक है, तो चलो ये रहेगा अपना पढ़ने का तरीका. अब मैं यस वेरी मच पॉसिबल. ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपसे लैपटॉप का, और वहां पे मैं हम लोग एक बार फटाफट ना जो गाइडलाइंस है उसको समझ लेते हैं. वैसे आपको ऑलरेडी पता है लेकिन कुछ बातों पर मुझे ज्यादा फोकस करना है जो आपके काम की है, तो मैं वहां लेकर चलता हूँ. आई टेक योर डाउट्स लेटर अप, थोड़ा अभी ये पहले मैं बता दूं मेरी बातें मुझे, उसके बाद में आप लोगों को वहां लेकर चलता हूँ. ओके, ऑलराइट, सो ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन? मैं भी कंफर्म कर लूं कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या. स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट विजिबल. ये YouTube पे थोड़ा लैग चल रहा है. ओके, परफेक्ट, आई नो वरीज. सो सी एग्जाम पैटर्न, देखो ये सब तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को इस पे फोकस करवाना चाहूंगा क्या हो रहा है. Okay, so 80 questions, 80 marks, 2 hours duration, out of which 40 marks will be 20 MCQs. So, एक MCQ का 2 mark रहने वाला है. अगर 1 mark का ही होता ना तो simple theoretical questions होते, conceptual questions होते, subjective का scope नहीं था, but अब subjective का scope है. Okay, so when I read, okay, 40 marks descriptive in nature. अब देखो हाँ, ये important ध्यान देना. जो पहला section होगा उसमें 20 MCQs आएंगे without option.
ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपके पास ऑप्शन यहां बिल्कुल नहीं है। टू और थ्री में आप आओगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अब इसमें ध्यान देना 40 मार्क का है, यानी दो क्वेश्चन आएंगे। सो मैं आपके सामने यहाँ सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर टू हुआ, क्वेश्चन नंबर थ्री हुआ, व्हाई माउस इज नॉट वर्किंग हियर, थ्री हुआ। अब ये क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, ये वाला भी होगा 20 मार्क्स का। अब इसके अंदर तो सब क्वेश्चंस बनाएंगे। अब सब क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ध्यान देना, ए बी और सी डी, दे कैन गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, यानी दो क्वेश्चन इधर एक सेट बन गया और दो क्वेश्चन ये, दोनों के बीच में आपको इंटरनल ऑप्शन मिल रहा है। हो सकता है ये 10 मार्क का, ये 10 मार्क का, ये भी 10 और ये भी 10, तो आपको 20 अटेम्प्ट करना है। यू कैन आइदर गो फॉर दिस और यू कैन गो फॉर दिस। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पेपर ऐसा आएगा, मतलब ऐसा 8 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा सॉल्व 5, हो सकता है वैसा भी हो, यहाँ मुझे पता नहीं है कि वो कैसा करने वाले हैं, बट ऑब्वियसली दे ट्राई टू मेक इट लिटिल डिफिकल्ट। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये स्टेट की सेटिंग आती है ना, तो हम इंजीनियर्स का प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये आता है और हमको ये आता है, हमको ये वाला नहीं आता जो उसके साथ ग्रुप में आए, वही तो टैलेंट है पेपर सेट करने वाले का, कि आप क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ कि एक ही क्वेश्चन कोई सॉल्व कर पाए, दूसरा थोड़ा टफ लेवल का डाल देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ऑप्शंस, इंटरनल ऑप्शंस के वर्ड देख के आप खुश मत हो जाना कि हाँ इंटरनल ऑप्शंस रहेगा तो मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके एक और चीज, ये जो 10 मार्क्स दिख रहा है ना, आप सोच रहे हो 10 मार्क्स यानी सिर्फ बड़े क्वेश्चंस का स्कोप है, नहीं, ये 10 मार्क्स के अंदर भी दे कैन गिव यू लाइक दिस, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को अगर अपना M3 याद होगा, जब हम लोगों ने M3 का बैच लिया था, तो यूजुअली क्वेश्चन जो हम लोग करते थे वो कौन से क्वेश्चन थे, कितने मार्क्स के होते थे, यूजुअली इट यूज्ड टू बी 6 मार्क्स और 8 मार्क्स। तो अब आप सोचो 6 और 8 मार्क्स को ये लोग 5 और 10 या 4 और 6 में कैसे करने वाले, तो 4 मार्क्स क्वेश्चन यानी 8 वाले को तोड़ के आएगा। ठीक है, यानी ज्यादा करके जैसे फूरियर सीरीज में इवन ऑड फंक्शन के क्वेश्चन आ गए और 6 मार्क्स वाले में प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देंगे, तो ये एक स्कोप रहेगा जो मुझे लगता है जैसा ज्यादा होने वाला है। चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस, यहाँ पे additional 15 minutes provided will be provided for scanning and uploading the answers of respective questions। इसके साथ में एक चीज यहाँ लिखा नहीं है, लिखा नहीं कि आगे दूसरे वाले पीडीएफ में लिखा ना, उधर बताऊंगा आपको। आपका ना जब पेपर खत्म हो जाएगा एग्जाम, जब आपका वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा ना, so you'll be getting 15 minutes। एंड एक बात ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने किया रहेगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सेपरेट डॉक्यूमेंट बना है। ठीक है, यानी एज वन डॉक्यूमेंट सेपरेट फॉर Q2 एंड Q3। और एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप अपने शीट्स पे क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर रहे हो ना, तो उसपे पेज नंबरिंग जरूर करना, पेज नंबर। सो फर्स्ट पेज है उसको फर्स्ट कर दो, सेकेंड है सेकेंड। अगर आपने कुछ रॉन्ग कर दिया तो ये नहीं उसको कट करके वो पेपर फेंक दिया, यू कैन यूज दैट एज वेल। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ राइट थोड़ा सा पार्ट निकल जाए, सो क्वेश्चन नंबरिंग बराबर करना है, सॉरी पेज नंबरिंग बराबर करना, फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करके आपको डालना है। बाकी तो ये आप समझ ही गए, तो इसमें मुझे और कुछ डिटेल में बताना नहीं है, जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लो। मैं था थोड़ा आपको एमसीक्यूज के भी अलग टाइम दिखाऊंगा, अभी ये स्क्रीन शेयर हुआ ये तो। ओके, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, नो डाउट अबाउट इट, यू हैव टू बी एट अ प्लेस वेयर इंटरनेट इज अमेजिंग, डेटा पैक, अब ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो भाई वैसे ही 2020 में ये पैंडेमिक ने काफी कुछ चेंज कर दिया है, तो आप लोगों से ना ये रिक्वेस्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ विद्यालंकार आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू यू नो गेट इनटू दोज अनफेयर मेथड्स ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम और डूइंग एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस, प्लीज 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 अवॉइड, बिल्कुल नहीं कर रहे। आपको जितना आता है आप करो, अटेम्प्ट करो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, अगला मौका वापस आएगा,
बट प्लीज आप कोई भी गलती मत करना बिकॉज यू हैव नो आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर इट. ठीक है, हमेशा आप लोग खुद को ही शेर समझते हैं, वो गलत तरीका है. ठीक है, आप शेर हैं, अच्छी बात, अच्छे चीज में शेर बनो, गलत वाले चीज में मत बनो. ठीक है, सो प्लीज आप कोशिश करना कि ऐसा आप कोई भी गलती ना करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन शेयर करना, या बाजू में आपके कोई बैठा है आप उसे हेल्प ले रहे हो, ये चीज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना. ठीक है, अगर आप करते हुए पकड़े गए तो भाई पूरा का पूरा आपका पेपर तो गया ही, या हो सकता है आपका सेमेस्टर भी बंद हो जाए. ठीक है, तो प्लीज इस पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट मेरे हिसाब से पूरा बोल्ड होना चाहिए था. एनीवेज, अच्छा 2 आवर्स, हाँ टाइमिंग देख लो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स, बाकी तो वो अलग 60-40 मार्क्स वाले पेपर के लिए, तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो इसका ही बताऊंगा मैं, 2 आवर्स 15-20 मिनट्स वो करने के लिए, स्कैन के लिए. हाँ एक चीज मेक श्योर करना, आप आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, आपके अपने पास कॉलेज आईडेंटिटी कार्ड हो, या हॉल टिकट मिला हो, या आधार कार्ड, ये सब अपने पास रखना. ठीक है, कभी भी आपको वो दिखाना पड़ सकता है ऑनलाइन में भी अपने को. ठीक है, लिंक विल बी गिवन. ओके परफेक्ट, देखो ये वाला पॉइंट है जो मैं बोल रहा था, यू हैव टू राइट सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट नेम अलोंग विद हिज और हर एग्जामिनेशन सीट नंबर ड्यूली साइन बाय हिज और हर, इट्स नॉट अ टिपिकल फॉर्मेट. नाउ जस्ट लुक एट द फॉर्मेट गाइस, द फॉर्मेट हैज टू बी लाइक दिस. सो इफ यू आर सपोज राइटिंग योर सब्जेक्टिव आंसर्स एंड यू हैव टेकन से 9 पेजेस, ठीक है, आपने 9 पेजेस लिए, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट में जब आप पेपर लिख रहे हो ना अपना, तब तो आप अपना पेज नंबर कैसे डालोगे, जब आप ले रहे हो तब तो आपको पता नहीं है ना कि भाई कितना पेज लगेगा, तो 1 डाला 2 डाला 3 डाला 4 डाला, एंड लेटर ऑन यू सी कि टोटल 9 पेजेस आर टेकन. सो ऐसा /9 हर पेज पे करना पड़ेगा, /9/9. व्हाट डज दैट मीन, दिस विल गिव यू एन आइडिया, जो आप जब आप स्कैन करके भेजोगे तो कहीं कोई टेक्निकल एरर ना हो जाए, 1-2 पेज मिस ना हो जाए, तो चेक करने वाले को पता चलेगा हाँ इस बंदे ने 9 पेजेस लिखे, इसमें ये फर्स्ट पेज है. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर यू डू दिस. ओके, ऑन ईच एंड एवरी पेज यूज द स्कैनिंग ऐप, डॉक स्कैनर है, आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो. पीडीएफ करना है, हाँ कुछ भी इशू आएगा ना, वह ब्लॉक सुपरवाइजर या कॉलेज सुपरवाइजर जो भी हो उनसे प्लीज कांटेक्ट कर लेना. हाँ यहाँ पे यू आर अलाउड टू यूज नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ये देखिए काफी लोग सोच रहे हैं यार ये कैलसी अलाउड नहीं है क्या, कैलसी अलाउड है भाई, जो आपका कैलसी है ना वही अलाउड है. प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर मतलब वो होता है जिसमें काफी चीजें स्टोर की जा सकती है, तो लोग आंसर्स वगैरह स्टोर करके ले जा सकते हैं, तो वो अलग टाइप के कैलसीज होते हैं, वो अपने पास है ही नहीं. ठीक है, हाँ ये रफ वर्किंग शीट आप प्लीज अपने पास ना कम से कम 100 पेजेस तो रखना ही है, 100 आप लिखने तो वाले वो नहीं, लेकिन अपने पास रखना वर्किंग शीट में बहुत काम आता है. यू आर नॉट अलाउड टू लीव योर सीट, हाँ क्यों लेके बैठना उसका रीजन ये रहा, 2-4 पेन लेकर बैठना. ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि पेन कहीं खत्म हो गए, आप सीट से उठ गए और सामने वाले ने बोला कि भाई ये तो चीटिंग करने के लिए उठा और आप डिसक्वालीफाई हो गए, तो प्लीज इस पर ध्यान देना. Submit the responses without fail. Okay, fine. Otherwise, negative marking नहीं है तो MCQ को attempt कर रही है सारे के सारे. You must maintain the sanctity of examination. Obviously, differently abled students will get 20 minutes extra time. ठीक है, but आपको permission लेना पड़ेगा college से एक बार, आपके proper documents of disability show करके आपको वो पहले submit करना पड़ेगा. Then you will get 20 minutes extra. ठीक है. Well, okay, जय मैं आपके डाउट पे आता हूँ, रुको ना. ठीक है, सो आई थिंक अपने को और कोई तो इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं था. हाँ, अब मैं एक आपको चीज दिखा देता हूँ. ये कैसे होता है, देखो अब ये MCQs के बारे में ना सब लोग सोचते हैं कि काफी यार कैसा आएगा कैसा आएगा, तो मैं देखो आपके सामने गूगल पे जा रहा हूँ ऐसे ही, क्या बोलते हैं MCQs on Laplace transform, देखो ये मैंने सर्च किया था कल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं.
अब मैं चलो ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक ऑप्शन आते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, इतना फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो आप इनको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज गिवन बाय समथिंग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज गिवन बाय, ये यार अपना ये कौन सा क्वेश्चन है, आई होप याद होगा, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे, ये डेफिनेशन वाला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा और बड़ा करता हूं इसको, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। रिमेंबर डेफिनेशन क्या होता है अपना, 0 टू इंफिनिटी e रेस टू -st f of t dt। अब इसमें ऑप्शन में ये सारे सेम लिखे हैं, तो लेफ्ट साइड के हिसाब से जा रहे हैं, तो f of t हम लोग स्मॉल f लिखते हैं, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t स्मॉल f t है, तो उसका आंसर s में होता है, तो कैपिटल f of s लिखते हैं, ठीक है, तो ये होगा मेरा मेन आंसर, ठीक है, e रेस टू -st f of t dt, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ओके, सी लाप्लास ऑफ t रेस टू 3/4 4/3, तो t रेस टू n का फॉर्मूला, 2 रेस टू t, ये सेवरल ऑप्शंस आते हैं, साइन स्क्वायर 2t cos t। अब देखो ये सब्जेक्टिव टाइप हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ये भी सब्जेक्टिव टाइप, ये भी सब्जेक्टिव टाइप है, कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ ये देखो, अब ये देखो ये क्वेश्चन, इफ दिस इज दिस, इफ लाप्लास ऑफ f of t इज कैपिटल f of s, यहाँ कैपिटल लिखा है, हम लोग याद करो क्या लिखते थे, phi of s, तो ध्यान रखना phi of s लिखते हैं या फिर कैपिटल f of s, ठीक है, then t raised to n, now this is effect of multiplication by t, तो effect of multiplication by t में क्या होता था, minus 1 raised to n d by ds of f of s, तो ये मेरा आंसर होगा, क्लियर, सॉरी d by ds, wrong, ये क्या था यही वाला था, जो भी था वो, बहुत सारे सोर्सेस से आपको मिल जाएगा, इसमें तो ये तो बहुत इजी वाले हो गए, ये 12th वाले हो गए, सी ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर, इसमें से कौन सा एनालिटिक है, इसमें से ना मेरे को आंसर बताओ फटाफट, आपके सामने क्वेश्चन है, और बड़ा कर देता हूं, पट से आना चाहिए इसका आंसर, कोई नहीं बोल रहा, मतलब सब सॉल्व कर रहे हैं अभी इसको, क्यों सॉल्व कर रहे हैं वो मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा, इसका आंसर पट से बताना चाहिए आपको, काफी अच्छा, मैं मेरा ये खुला लेट, सी देखो यही है, अब ये अचानक से क्वेश्चन पॉपअप हुआ यार, ये मैंने बनाया तो नहीं ये क्वेश्चन, देखो अचानक से पॉपअप हुआ, कोई रैंडम वेबसाइट पे चला गया, और देखो ना अब काफी लोग क्या करेंगे पता, पहले ये क्वेश्चन उठाएंगे, इसका एनालिटिक है कि नहीं चेक करेंगे, फिर इसको उठाएंगे एनालिटिक है कि नहीं चेक करेंगे, एंड सो ऑन फॉर ऑल द ऑप्शंस, भाई इतना टाइम है क्या आपके पास, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, e raise to z, guys do you remember, हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया है, e raise to z बेसिकली मैं यहाँ पे लिखा, it was our question number 3, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था e raise to z, और हमने चेक किया था एनालिटिक आया था, वही मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने प्रिपरेशन जो क्लास में मैंने करवाया ना उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको किसी चीज का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो फिर, तो e raise to z जब आपको याद है, हाँ इसमें फिर भी लोगों को डाउट आता है, नहीं यार e raise to z एनालिटिक तो है लेकिन शायद बाकी भी रहेगा, कैसे बाकी भी रहेगा यार, एक आपको पता है करेक्ट है तो पक्का बाकी के रॉन्ग रहेंगे ना यार,
ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन वाला आने वाला है अपने को, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट वैसा नहीं आएगा। हाँ अगर ऐसा आएगा तो दे विल गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो तीन स्टेटमेंट दे देगा, 1, 2, 3, लॉजिकल टाइप क्वेश्चन, और फिर बोलेगा विच वन ऑफ दिस दिस इज ट्रू। हाँ तो तीन स्टेटमेंट लिखा है, जैसे पहला स्टेटमेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, दूसरा इफ अ फंक्शन इज हार्मोनिक देन इट मस्ट बी एनालिटिक, ऐसा तीन कंसेप्ट वाले पॉइंट्स, फिर आपके ऑप्शंस रहेंगे ओनली वन इज ट्रू, ओनली थ्री इज ट्रू, वन एंड टू बोथ आर ट्रू, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। So they can ask you question like this also. So ऐसे MCQs में ना थोड़ा सा ज़्यादा time लग जाता है, but worth investing time in that, क्योंकि वो concept में ना कभी भी वो लोग घुमा देते हैं। तो कोशिश करना, ध्यान से उसको। Which of following is hello? Next वही है। Which of the following is true for this? So आपको बस check करना है कि भाई कौन किसके लिए true है। Okay, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना, अभी आप ऐसे बहुत सारे ये questions भी यहाँ से निकाल सकते हो या कोई भी sources से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो मैं यहाँ पे अभी इसको स्टॉप करता हूँ। हाँ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो पैटर्न आ रहा है ना, यू नेवर नो दिस पैटर्न इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर, यानी आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी यू नेवर नो एमसीक्यूज को इस तरह से तवज्जो दी जाए, और अगर ऐसा हुआ ना तो फिर इंजीनियरिंग इजी नहीं होगा, इंजीनियरिंग और डिफिकल्ट होता जाएगा। आईआईटी जेईई सीईटी ये सब एग्जाम में क्या सब्जेक्टिव होता है? क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना पहले। सो आप समझो चार ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, एक आपने बोला सही है, सो देयर इज 1/4 चांस, 1 out of 4, 1/4.25, 25% चांस है कि आप राइट हो, सो यू हैव टू बी डैम श्योर कि वही आंसर है मेरा। So objective type अगर हो जाता है आगे भी, then things are going to be a bit difficult, यानी अपने पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं बोलू ना तो ये दिस इज नीड ऑफ एन आर। इंजीनियरिंग में क्या होता है, अब काफी स्टूडेंट्स बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि कंसेप्ट किसी को सीखना नहीं है, मेन चीजें क्या होती है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है, वो किसी को जानना नहीं है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंजीनियरिंग में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि डिग्री के लिए बस आपने पढ़ा, एग्जाम पास किए और हो गया, ये होता है, ये हो भी रहा है। अब इट डजंट मीन कि आप इफ यू आर टेक्निकली साउंड इन पर्टिकुलर थिंग, लाइक अगर कोई कोडिंग में अच्छा है तो आप पूरी पूरी एनर्जी कोडिंग में ही डाल दिए, बाकी सब्जेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, नहीं। ये चीज भी ना जो यूनिवर्सिटी में बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं वो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, और इवन उनको तो छोड़ ही दो, कॉर्पोरेट्स, दोज़ हू आर गोइंग टू हायर यू, या अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अभी जाने दो, इसमें एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अब जो भी एग्जाम्स या आगे आप लोग जब इंजीनियरिंग करके आपका हो जाएगा ना, उसके आगे आप कुछ भी करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है ना वो चीजें यूज होंगी। मैथ्स का अभी इनफैक्ट तो इफ आई टेल यू आई ऑल्सो कीप ऑन डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ मैं यहाँ वहां करते रहता हूँ, कोई सर्टिफिकेशन कोई एग्जाम देते रहता हूँ, So, उसमें मैथ्स आते रहता है हमेशा, हर जगह मैथ्स है। So, आपको वो कंसेप्चुअल स्टडी अपने अंदर रखना है। हाँ अगर सेमेस्टर फोर में, जैसे अभी आप लोग सेमेस्टर फोर में जाओगे ना, तो सेमेस्टर फोर में आप लोगों को ज्यादा करके मैथ्स में पार्ट स्टैटिस्टिक्स का है, मतलब समथिंग बियॉन्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैंपल टेस्टिंग, बहुत सारे जिसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। रियल लाइफ में एप्लीकेशन अभी इनफैक्ट कोरोना वायरस में बोलते हैं कोरोना वायरस टेस्ट, अब ये वाले एरिया में इतने लोगों को ही कोरोना है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 20 आफ्टर 2 मंथ्स इतना कोरोना हो जाएगा, व्हाट इज दैट, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, इट्स अ गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन सेम फॉर आल्सो। सो इसके लिए हो सकता है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आने वाले सेमेस्टर में भी ऐसा ही पैटर्न वो लोग रखेंगे, और चांसेस है, और ऐसा पैटर्न अगर रखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी वैसे ही बढ़ेगा, बिकॉज आपके M4 में, जैसे सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट्स का लेवल बढ़ेगा, जैसे M4 का लेवल बढ़ेगा वैसे पेपर का भी लेवल बढ़ेगा। सो आपको अभी से तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट को कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ने की, ठीक है। सो
आई थिंक मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया अपनी तरफ से, जो जो बातें मुझे करनी थी। करेक्ट, हाँ, कौन सा टाइप है जो आप मिस नहीं कर सकते ये बताना था, ये भी बता देता हूं आप लोगों को। पहले मैं लाप्लास की बात करता हूं। लाप्लास में जो भी आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े ना, आई मीन क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज, उसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी थी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यू कैंट मिस इट। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था यार? अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा, पहली बात तो इवैल्यूएट करेगा, यानी आपको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है, जीरो टू इंफिनिटी, ये पहचान है, ई रेस टू माइनस टू टी टी साइन थ्री टी फॉर एग्जाम्पल, और लेट मी कंसीडर साइन थ्री टी डिवाइडेड बाई टी, तो ये टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, काफी चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव में ये टाइप का एक क्वेश्चन पक्का है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें क्या इवैल्यूएट, और ये पहचान है, यहाँ पे ये शिफ्टिंग का काम नहीं करता, दिस गिव्स यू वैल्यू ऑफ एस, तो एस का वैल्यू क्या होगा एक्सपोनेंशियल के तकले पे क्या है माइनस टू टी, सो यू विल पुट एस एज प्लस टू, याद है ना ये कंसेप्ट, अगर ई रेस टू प्लस टू टी है यानी ई रेस टू टू टी है देन यू विल पुट एस एज माइनस टू, और अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है ही नहीं तो पुट एस एज जीरो, और फिर लाप्लास इसका निकालना। अब इसका आप लाप्लास निकालोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, इसका आंसर आता है tan इनवर्स t by s आएगा इसका, ठीक है, आप सॉल्व करना तो जानते ही हो ना, sin 3t का 3 upon s square plus 9 a upon s square plus a square formula, then division by t वाला प्रॉपर्टी। तो आप देखो लाप्लास में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई यही वाला टाइप पढ़ के जाओ, आपको सब प्रॉपर्टी आनी चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहने वाला है, ठीक है। सो आप ये आ गया आंसर, अब इसमें एस का वैल्यू 2 डाल दो, सो हो गया 3 बाई 2, tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2 इज योर आंसर, जो भी ऑप्शन में आपको जहां पे दिखता है tan इनवर्स 3 बाई 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो पर्टिकुलर वैल्यू वाला एक टाइप है। दूसरा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं सब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूं, 99.99% चांस है कि आपको एक क्वेश्चन, मैं तो 100% ही बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट 100% चांस आप समझ के चलो, नहीं 100 नहीं बोलूंगा, अगर नहीं आया तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्त, बनता ही है, आएगा ही, चांसेस बहुत ज्यादा है, सो आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मिस नहीं कर सकते। हाँ, पार्शियल भी, यस पार्शियल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यस, बट मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। मैंने क्या ये बात स्टार्ट करने के पहले क्या बोला, समथिंग विच यू कांट मिस, तो वो मैं बातें बता रहा हूं। अब उसमें आता है अपना फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज में इवन ऑड फंक्शन याद है ना, इवन ऑड फंक्शन भाई आप उसको भूल ही नहीं सकते। ये लोग क्या करेंगे मालूम है, ऑब्जेक्टिव वाले में ये टाइप का क्वेश्चन डाल देंगे, कौन सा हाफ रेंज साइन सीरीज को साइन सीरीज, या देखिए ना आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, ये देखो ये भी देखो, एक ऑब्जेक्टिव और बन गया, इफ एफ ऑफ एक्स इज pi minus x divided by 2 the whole square in 0 to 2 pi is expressed as trigonometric Fourier series, then a 0 is, फिर option दे देगा। अब आपको याद है ना, अगर function दिया है interval 0 से 2 pi, तो how do we find Fourier series, a 0 an और bn तीन value निकालते थे, अगर तीनों आपको निकालना है तो subjective question बन गया, खाली a0 निकाल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, सिंपल। तो अभी a0, अब इसमें क्या पूरी मेहनत नहीं करने का, a0 क्या होता है आपने को याद है वो फार्मूला था 1 by pi 0 से 2 pi f of x dx, फट से इसको इंटीग्रेट किया, रफ पे जाके फटाफट इंटीग्रेट किया, वैल्यू निकाला और इधर चेक कर लिया फटाफट, मतलब यार फटाफट इधर नहीं बोलना चाहिए मुझे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जो सब्जेक्टिव नेचर वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा आराम से अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना तो वो आपको वो आंसर देगा जो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, ये तो आपको पता है ना, ये नई बात नहीं है, इसमें ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है,
ऑप्शंस ऐसे ही सेट किए जाते हैं कि हाँ अगर आपने थोड़ा मिस्टेक किया, प्लस का माइनस कर दिया तो क्या आंसर आता है, वो ऑप्शन में रहेगा, तो एरर होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव में कॉपी प्लीज मत करना, कॉपी तो मैं तो बोलूंगा भाई कहीं मत करना, कोई मतलब नहीं है कॉपी करके, उल्टा रॉन्ग होएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कॉपी करने के चक्कर में एमसीक्यूज में रॉन्ग बहुत होता है। ओके हाँ, तो आप इवन ऑड नहीं छोड़ सकते, पार्सेवल्स आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, वो आपको करके जाना है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपको फूरियर सीरीज का ऐसा आएगा ही आएगा जिसमें डिडक्शंस इन्वॉल्व होंगे। अब इस बार तो ज्यादा चांसेस नहीं लग रहे कि दो एक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, बट वन क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट। और अगर कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आना है, 10 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 मार्क्स का बोला है ना उन्होंने, 5 या 10 मार्क, ऐसा 6 और 4 भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, बट अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए तो आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा ताकत फूरियर सीरीज में ही है? फूरियर सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस है जो 10 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। अरे यार सब छोड़ो, यही क्वेश्चन आपको याद है, इसके अंदर मैंने 5-6 डिडक्शंस करवाया था, सो ऐसा 2-3 डिडक्शन उठा के दे देंगे, ठीक है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, फूरियर सीरीज एकदम अच्छे से करके जाना, सब्जेक्टिव में वो 10 मार्क का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अब उसके साथ ऑप्शन में जो दूसरा आया, मान लो वो 5-5 है, आपको एक आता है एक नहीं आता, आप फंस गए ना, तो फूरियर का अगर 10 मार्क पूरा आता है आप सीधे सीधे बच गए, पेजेस भी बचेंगे आपके, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक तो छोटा सा बाबू टॉपिक है, इतू सा तो टॉपिक है, उसमें क्या छोड़ोगे? और चलो अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है नहीं टाइम कम है हमारे पास, तो भाई टाइप 1 एनालिटिक फंक्शन, उसमें दो टाइप होता था, या तो चेक करो एनालिटिक है, और दूसरा होता था वो कांस्टेंट निकालने वाला, फाइंड ए बी सी डी ई वाला, वैसे क्वेश्चंस। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक वो करके जाना आप। दूसरा इसमें तो यार मतलब मुझे बोलने को भी बुरा लग रहा है कि मैं कोई छोड़ने को कैसे बोलूं, नहीं बोल सकता दोस्त, इसमें पूरा करके ही जाना पड़ेगा। टाइप 2 हार्मोनिक फंक्शन पूरा करके जाना है। टाइप 3 तो महा इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव, सो उसमें याद है ना, यू दिया है, बी दिया है, या यू प्लस बी, यू माइनस बी दिया है, तब हम लोग एफ ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, वो वाला टाइप है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो इनफैक्ट आप पूरा करो, और आपको मैंने जो हायरार्की बोली थी उसमें लाप्लास के बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही बोला, रीजन मेरा वही है, क्योंकि आप लाप्लास करने के बाद आपके पास टाइम कम होते जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यू विल हैव एडिक्वेट टाइम, ठीक है। ऑल राइट, तो आई होप मैंने अपनी तरफ से सो सारी चीजें कवर कर दी है। अब मैं इसको आपके डाउट्स के लिए ओपन करता हूं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं मीनवाइल इस पे चैट सेक्शन में भी देखता हूं, अगर किसी ने कुछ सवाल करा है तो। ओके नहीं, देखो गूगल फॉर्म जब पीडीएफ अटैच करना होगा तो लैपटॉप से कैसे यहाँ पे अपलोड करें या मोबाइल पे वी शुड अटेंड? देखो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, मोबाइल वगैरह पे मत करो यार, मोबाइल का कोई भरोसा नहीं है। इट विल बी बेटर इफ यू डू इट ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप। हाँ, और जो स्कैन करके अपलोड करना है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। देखो यू आर गेटिंग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर दैट, तो स्कैनिंग ऐप जरूरी नहीं, अब आप प्रिंटर खरीद के घर पे लाके रख दो, सो यू कैन डू इट इन मोबाइल, और आप सब चीजें कैमरे के सामने कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली आस्क दैट एग्जामिनर, ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट मोबाइल पे दोगे भी वो ठीक नहीं मुझे लगता, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करें, चलेगा, यस प्रिंटर यूज कर सकते हो स्कैनिंग के लिए। एग्जाम या तो राइट जनरलाइज फॉर्म फॉर पार्सेवल्स आइडेंटिटी, पार्सेवल्स आइडेंटिटी के लिए देखो फूरियर सीरीज में ना मैंने जो आप लोगों को बताया था, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जो पार्सेवल्स का मेन फॉर्मूला है, उसी में अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग क्वेश्चन टाइप के लिए हम लोग अपना फॉर्मूला बनाते थे। तो जनरलाइज एग्जाम में मत लिखना जो मैंने जनरलाइज लिखा था, पार्सेवल्स आइडेंटिटी इन ए कॉमा बी, वो मत लिखना। ए कॉमा बी यानी जो इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया है, सो आपको क्वेश्चन में अगर बोला है 0 से 2 पाए, सो यू नो ए इज 0, बी इज 2 पाए,
सो आपका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है उसमें ए और बी डाल के वो लिख, सिंस पार्शियल्स आइडेंटिटी बी है वो लिख देना, ठीक है। सर मैट्रिक्स में ए रेस टू 50 कैसे निकालते हैं? ओके अच्छा, ये भी ए रेस टू 50 ये दूसरे ब्रांचेस को है, कंप्यूटर सर आईटी को नहीं है ये वाला डाउट। तो ए रेस टू 50 निकालने के लिए मैट्रिसेस में टाइप 5 आपने पढ़ा होगा, दिस इज फंक्शंस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फंक्शंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंसेप्ट क्या था अपना, आपने वो देखा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा यही करना है, लेट ए रेस टू 50 इज अल्फा 1 ए प्लस अल्फा 0 आई, ये अज्यूम कर लेना है। ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, बाकी लोग ध्यान देना, ये मैट्रिसेस का एक डाउट अभी चैट सेक्शन में आया तो मैं वो बता रहा हूं। सो यू विल बी गिवन विद मैट्रिक्स ए, 2x2 का मैट्रिक्स होगा, 3x3 का हुआ तो वो बड़ा अजम्पशन होता है, वो तो आएगा नहीं। तो अगर ऐसा आया इसको अज्यूम कर लो, इसके आइगन वैल्यूज निकाल लो, यू विल गेट सम आइगन वैल्यूज लैम्डा से 3.4 या जो भी आएगा, दो आइगन वैल्यूज आएंगे। फिर यहाँ पे क्या करने का, यू अप्लाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं, रिप्लेस ए बाय लैम्डा बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो दिस बिकम्स लैम्डा रेज़ टू 50 इज इक्वल टू अल्फा 1 लैम्डा प्लस अल्फा 0। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, ए की जगह आप लैम्डा रिप्लेस कर सकते हो और आई को उड़ा दो, ठीक है। आई बेसिकली क्या होता है, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर आप लैम्डा का जो दो वैल्यू आया वो उठा के पुट कर दो, so you will get two equations and two unknowns are there. What are your unknowns? Alpha one, alpha zero. उसको simultaneously solve करोगे तो alpha one और alpha zero आ जाएगा। वो values उठाओ, यहाँ पे substitute कर दो, आ गया a raised to 50, ठीक है? क्वेश्चन टू इन सेपरेट पीडीएफ, हाँ यस सेपरेट पीडीएफ बनाना है उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, ओमकार इज सेइंग वन वीक, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आर ओनली गिवन इन केस देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, इफ नॉट वी कांट यूज दैट एक्स्ट्रा। नो गाइस, नो 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 नो, यहां एक मिस्टेक हो रहा है। आप अरे आप सोचो ना, आपको दो घंटे में सॉल्व भी करना है फिर उसको पीडीएफ भी बनाना है, गलत है ना ये। So, आपको सॉल्व करने का दो घंटा, जैसे वो लिंक डीएक्टिवेट हुआ तब आपका वो 15 मिनट स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यू विल गेट 15 मिनट्स नॉट ओनली इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच का तो सोचो ही मत, होना ही नहीं चाहिए भाई। पूरा सब डिवाइस चार्ज रखना, इंटरनेट कनेक्टिविटी परफेक्ट रखना, नहीं तो बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर भाई राम भरोसे फिर तो, ठीक है। तो टेक्निकल ग्लिच के लिए नहीं है वो, तो आपको बस, और 15 मिनट्स बहुत टाइम होता है, 5 मिनट में करके सबमिट कर सकते हो। How many marks for PD? PD में आप expect करो, see you can expect one question you will be getting in MCQs. एक question उसका MCQ पे आएगा, ठीक है? अब दूसरा वाला जो question आएगा ना वो समझो ना 6 marks के लिए आ सकता है। Vendor's method है, Cramp Nicol's method है, तो ज़्यादा करके chances है कि इस बार शायद Vendor's method ही दे दे। नहीं option नहीं रहेगा ऐसा कुछ। No, we don't have the liberty to switch between MCQs and the subjective. One question, will the time slot be like CP, like MCQs we have to be done in first 40 minutes? Yeah, see, you can't switch between objective and subjective. So first 40 minutes which are given to you is only for MCQs. Okay, so you can't just think, now I don't know exactly how they're going to do it. Because if they have one link, suppose one form ko deactivated, then they can't say that. So, आप पहले MCQs करोगे, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट बचा लिया था वो सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, उसके लिए सेपरेट टाइम रहेगा आपके पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेक्टर, प्रथमेश इज आस्किंग, प्रथमेश बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेक्टर चाहिए, ठीक है भाई। वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मालूम है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल सीखा था ना वो,
सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है डाइवर्जेंस एंड कर्ल आपको प्रॉपर आना चाहिए एकदम अच्छे से. डाइवर्जेंस एंड कर्ल, डाइवर्जेंस क्या होता है डेल डॉट एफ, ठीक है, और कर्ल क्या होता है डेल क्रॉस एफ. तो अगर ये वाला वैल्यू जीरो हुआ देन इट इज कॉल्ड सॉलिडॉइडल. अगर ये वाला वैल्यू जीरो होता है विच इज जीरो बार बिकॉज इट इज वेक्टर देन वी कॉल इट इरोटेशनल या कंजर्वेटिव भी बोलते हैं. तो आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पक्का एक करके जाओ. फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन सर ने करवाया होगा. डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, देन डाइवर्जेंस एंड कर्ल बेस्ड क्वेश्चंस. ये वेक्टर डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं बट एमसीक्यूज के लिए ज्यादा. सब्जेक्टिव के लिए ग्रीन्स थ्योरम, वेक्टर इंटीग्रेशन में ग्रीन्स थ्योरम भाई करके ही जाना. एक क्वेश्चन तो पक्का इसका तय समझो, ठीक है. टाइम मैनेजमेंट फॉर थ्योरी पेपर, थ्योरी पेपर में तो देखो सिंपल टाइम मैनेजमेंट होता है. जो हमको आता है पहले मैं वो अटेम्प्ट करूंगा, सिंपल. और आपके पास लू शीट्स है और शीट्स तो आपके हाथ में, मतलब आप जिसको चाहो उसको पेपर पेज नंबर वन बना सकते हो, है कि नहीं. So, आप देखो ना सबसे पहले कौन सा, चार पांच पेजेस रखो अपने पास क्वेश्चन नंबर टू के लिए, पांच पेजेस रखो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए. अब क्वेश्चन नंबर टू में आप फटाफट वो अटेम्प्ट करो जो आपको आता है. तो इसमें टाइम मैनेजमेंट कब करने का पता है, जब आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तब टाइम मैनेज करने का. जो आता है उसको पहले फटाफट कंप्लीट कर डालो, ठीक है. सो सपोज यहाँ पे आपको 12 मार्क का क्वेश्चन आता है 20 में से, वहां पे आपको 20 का 200 आता है, तो 20 का 200 जिसमें आता है ना वो पहले कर दो, फिर यहाँ 12 वाला पहले कर दो, फिर जो बचा उसमें सोचो कि क्या करना है, ठीक है. उसके बाद बाकी टाइम के हिसाब से, मतलब घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो वो नहीं होएगा. अच्छा जय, काफी देर से, सॉरी हाँ जय को मैं पूछ लेता हूँ. अभी मैसेजेस तो बहुत सारे, मैं कैसे आंसर कर पाऊंगा यार इतना. एनी आइडिया हाउ विल दे मॉडरेट? आई हैव एक्चुअली नॉट अ बेटर आइडिया, नॉट अ प्रॉपर आइडिया कि हाउ दे डू इट, बट यू विल बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली दैट आई नो. तो आप कॉपी नहीं कर सकते. अभी आपको बहुत स्टोरी सुनने को मिलेगा, सब लोग बोलेंगे हाँ केटी पेपर में मैंने तो किया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो जो बोलता है ना भाई उसको बोलने दो, हो सकता है उसको पहला वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, तो हो सकता है ग्लिचेस हुए हो. लेकिन अब नहीं प्लीज, मैं तो आपको बोलूंगा भाई रिस्क मत लेना, गए तो गए फिर. एक तो पैंडेमिक ऊपर से फिर कॉलेज से भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा. अच्छा जय से पूछ लेता हूँ, जय नहीं सर चलेगा. गुड मॉर्निंग सर. हाँ सर मैं डिप्लोमा टू डिग्री. अच्छा आप डिप्लोमा टू डिग्री हो? आपकी आवाज बंद हो गई, कांट हियर यू. जय और आवाज दे रहा हूं. हेलो हेलो सर आवाज आ रहा है? आपका डाउट वो है क्या? हाँ सर मैं डिप्लोमा टू डिग्री कैंडिडेट हूँ. तो सर मैं अभी क्या करूँ, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ है फिलहाल. मतलब मेरा स्टडीज तो चालू है पूरा M3, तो मतलब जितना वी बुक वगैरह आपने जितना सिखाया था वैसे सेम कर, और अभी भी आपने मतलब मैं सुना मतलब MCQs होने वाले आधा पैटर्न. कोई तो बोल रहा है कि हम लोग का एग्जाम ही नहीं होने वाला, मतलब ऐसे मार्केट में बहुत सारे रूमर्स है. नहीं नहीं बहुत रूमर्स है आई नो. देखो आप लोगों के साथ तो मैं बोलूं डिप्लोमा टू डिग्री के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, मतलब बहुत परेशानी. एक तो पैंडेमिक ऊपर से फिर आप लोगों का एग्जाम का वो एग्जाम डिले हुआ, उसके बाद यहाँ एडमिशन नहीं हुआ है और एग्जाम होने जा रहा है. सो टेंशन मत लो. देखो मैं इनफैक्ट Do you have contact number of Subodh sir? हाँ हाँ sir, Subodh sir का contact number. हाँ तो आप उनसे constant touch में रहना, या प्रतिभा मैम से touch में रहना, या रुचा मैम से touch में रहना.
जो भी अपडेट्स होंगे ना, अभी फिलहाल कोई अपडेट्स नहीं है, बिकॉज कैसा ना कि अभी यूनिवर्सिटी इज क्वाइट बिजी इन ऑल दीज थिंग्स, ये जो एग्जाम्स चल रहे हैं ना इसमें बिजी और इनका ध्यान पूरा गया है, तो अभी वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही एग्जाम चालू हो जाएगा ना, देन द मैनेजमेंट विल डिसाइड कि डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स का हम लोग कैसे अकेडमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन ओपिनियन नहीं बोलूंगा मैं, मेरा अंदाजा है कि शायद वो लोग सेमेस्टर 4 आपको उनके साथ मर्ज करवा के करें एंड सेमेस्टर 3 को स्प्लिट करके दें, या उसको कट शॉर्ट करके सिर्फ एक इंटरनल बना के दे दें। सो यू नेवर नो, आई हैव नो आइडिया हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, बट जो भी होगा वी विल गेट टू नो फर्स्ट, और वी विल मतलब नॉट मी बट सुबोध जी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या पता चल जाएगा, तो आपको हेल्प कर देंगे। जो जो भी डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स है, स्ट्रेस मत लो अभी, अच्छा है ना, स्ट्रेस लेने का काम अभी उनका, जिनका 7-8 तारीख को पेपर है उनको, उनके ऊपर छोड़ दो। फिलहाल मतलब कैसे स्टडीज करूं, मैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से करूं, आपने जैसे अभी एक्सप्लेन किया वैसे, और आप लोगों का अगर एग्जाम होगा ना तो इट इज मोस्टली गोइंग टू बी एमसीक्यूज ओनली, ऑब्जेक्ट शायद पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव हो। ओके, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, हो सकता है, मतलब अभी हमको वैसे सोचना नहीं है बट हो सकता है, चांसेस है। ओके, वही सर पूछने का था आपको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। ओके सौरव, यस सौरव, हेलो सर, सर आई जस्ट हैड वन क्वेरी कि मेरा जो मैं अभी जो डेल का पीसी यूज करता हूँ सर, वो थोड़ा 2012 वाला मॉडल है, और इसमें कैसा है ना, मेरे पीसी में वेबकैम नहीं है, तो सर फिर उस केस में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा सर, बिकॉज़ बिना वेबकैम तो वो लोग स्विच फॉर अनदर डिवाइस, लाइक फिर आपको या तो मोबाइल से करना पड़ेगा, और यू कैन बोरो सम लैपटॉप फ्रॉम समबडी फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, बिकॉज़ थ्रू द एग्जाम मुझे वेबकैम यूज करना पड़ेगा, वेबकैम के बिना अलाउ ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे आप लोग ने कैमरा बंद किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे यू कांट डू दैट, सो वेबकैम तो चाहिए ही चाहिए। तो आप आसपास में देखो ना, किसी से लैपटॉप अरेंज हो जाता है तो वेल एंड गुड, सपोज वो नहीं होता है तो वेबकैम आप आजू बाजू किसी को किसी के पास देखो रहेगा तो। ओके, बिकॉज़ थ्रू आउट द एग्जाम वो चालू रखना पड़ेगा ना, थ्रू आउट द एग्जाम, यस। और अगर आप मोबाइल पे भी कर रहे हो तो कोई वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उसको प्रॉपर मोबाइल का होल्डर होना चाहिए, उसको सेट कर दो अपने सामने, कंटिन्यूस चार्जिंग पे रखो, ओवरहीटिंग फोन में नहीं होना चाहिए, हो सकता है काफी फोन हैंग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फोन का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप बीइंग गेटिंग क्रैश्ड, बट मोबाइल में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं अवॉइड करने बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके ऑलराइट पीयूष, हेलो सर, या पीयूष, हाँ सर, प्रोबेबिलिटी के कोई मेजर टॉपिक्स है क्या जिसमें, मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई मेजर टॉपिक्स है क्या पढ़ने, प्रोबेबिलिटी में ना देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स एंड आईटी स्टूडेंट्स, वो आपको याद है क्वेश्चन वो बॉक्स वाला जिसमें एक के दिया रहता था ऐसा? यस सर। एक तो ऑब्जेक्टिव में ये टाइप का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन अगर आएगा तो वैसे मेरे को नहीं लगता ज्यादा इसका चांसेस है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है, तो इसमें एमजीएफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करके जाना, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये जो के निकालने वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, इवन इन कंटिन्यूअस दैट फंक्शन पीडीएफ इज गिवन, वो अलग, वो करके जाना। और टाइम अगर कम है ना तो प्रोबेबिलिटी में ना भाई जितना अपन ने क्लास में किया ना मोर देन एनफ, बस उतना ही करके जाओ और कुछ नहीं करना। और सर कर्व फिटिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन? नहीं, अगर आना है ना तो रिग्रेशन से आ जाएगा, कोरिलेशन से आ जाएगा, कर्व फिटिंग से नहीं देंगे, कर्व फिटिंग बहुत इजी हो जाता है। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। वेबकैम के बिना स्टार्ट ही नहीं कर सकते एग्जाम, यस वेबकैम तो नेसेसिटी है, जरूरी है, वो चाहिए ही चाहिए। अच्छा मीनवाइल ना अभी और लोगों के डाउट्स भी मैं लिखता हूँ, मैं
ओके मैं एक फाइल आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, देखो ये कहाँ गया है, अच्छा ये खाली यस हो गया, एक लड़ा कोई चैट में कुछ भेजो मत ना क्योंकि ये गड़बड़ हो जा रहा है। ओके हुआ, सी अभी ये तो आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेमेस्टर 4 का M4 बैचेस एज वेल, M4 एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स, तो उसका भी मैंने प्रॉस्पेक्टस आप लोगों को शेयर कर दिया है, ऑल द ब्रांचेस का रहेगा। और जैसा कि मैंने बोला, अगर ये ऑब्जेक्टिव का नेचर आ गया, आगे भी सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होना है, देन M4 इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज इसमें कंसेप्चुअल बहुत कुछ है। M4 में आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि मैथ्स का रियल लाइफ में यूज क्या है, क्योंकि उसमें जब हम लोग M4 का पार्ट करेंगे ना तो रियल लाइफ की चीजें दिखाएंगे, रियल वाला, देखो ये टाइम यहाँ पे ये यूज हो रहा है ऐसा। हेलो सर, yes sir, sir in the Parseval identity question, when we have given the interval, so means we have to select when we apply the identity, so we for f of x we have to select the function according to that interval, so means which function we have to select, means you are told some rule. When your function is given in two different intervals. Okay, I got it. What you're saying is this, if suppose I have a function like this, this type of question you see? Yes, sir. Okay, perfect. No worries. See, so first of all, if you are applying Parseval's identity, the Parseval's identity is valid throughout the interval. Okay, so that means actually, this question is from where to where? It is from minus pi to pi. So when I apply Parseval's for this particular situation, it is going to be 1 upon b minus a, matlab it is going to be 2 pi, minus pi to pi, function square is equal to a0 by 2 the whole square plus half. I hope you remember the formula. Yes, sir. An square plus bn square. Now, this is my generalized formula. But when you solve this question, you will come to know that this is an even function. Yes, right? Yes, and for even function, what is bn? It is 0. So actually, my formula is this, right? Yes. Now, your doubt is which function to use. You'll have to use both because your actual interval is minus pi to pi. So what you can do is you can split your integration like this, minus pi to 0. Then my function will be 1 plus 2x by pi, the whole square dx. And then 0 to pi. Yes. Here. So you'll have to go for both the functions. Why? Because Parseval's identity is valid throughout your this thing. Okay? Now, one more thing. If you see VBook, so VBook mein aapko yahan pe question thoda alag dikhega. You must have seen ki only this is used, right? Yes, sir. Now, why this is used, you know? Because actually there is one concept. Minus, I'll write that concept over here. You must have done this in 12th standard. Any integration from minus a to a of f of x can be written as 2 times 0 to a f of x. Yes, sir. Yes. If function is even. And even. If it is odd, then what is your answer? Zero. Clear? Yes. Now, yes, sir. This being an even function, what I can do is, instead of splitting it into two parts, I can simply write 2 times this. Got it? So this is what you must be getting in your V book, or iske liye aapko doubt aa raha hoga. Yes, sir. Yes. Abhi samajh gaye na? Yes, sir. I understood. Okay. So you can do this like this. Otherwise, suppose this is not an even function, neither even nor odd, then I'll have to go for split wala concept. Okay. Sir, if there is equal to in the interval, it doesn't matter. Means we have to go in the same way, no? Yeah. It doesn't matter. It doesn't matter at all. Equality, if it is suppose here, not here, doesn't matter at all. Yes. Thank you, sir. Thank you.
Most welcome. Thank you very much. अभिजीत सिंह जी बोलिए। यस सर, सर कॉलेज में मॉक टेस्ट हुआ था हमारे यहाँ, तो वहाँ पे सब क्वेश्चंस के अलग अलग पीडीएफ बनाने बोले थे। सब क्वेश्चंस के मतलब? जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में ए टू एफ ऑप्शन है जिसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो ए के अलग पीडीएफ, 2A के अलग, 2B के अलग, 2C के अलग, 2D के अलग। नहीं, क्वेश्चन नंबर, ये फिर ऐसा क्यों किया पता नहीं मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पीडीएफ चाहिए और क्वेश्चन नंबर 3 का एक पीडीएफ चाहिए और नंबरिंग प्रॉपर होना चाहिए बस। ओके, ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैंने एक बार पूछा भी था मैम से, मैम बोली नहीं जो हुआ यही फॉर्मेट रहेगा अपना। नहीं यार, ये कॉलेज कौन सा है? सेंट जॉन। एनीवेज आप एक काम करो, आप यू चेक विद द फैकल्टी अगेन, मतलब एग्जाम के 2 दिन पहले ना जस्ट चेक विद कि एक्चुअली कैसे करना, बिकॉज यू जस्ट टेल हर कि माय फ्रेंड्स आर सेइंग समथिंग एल्स, आई एम गेटिंग सम अदर आईडिया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज हेल्प मी आउट, because I in my opinion this is going to be like this, question number 2 along with its sub questions it's going to be one pdf, and question number 3 ka along with sub questions it's going to be one pdf. Even we thought sir, pata nahi humko bhi aise laga tha sir, but achanak kal aisa hua ki aapko alag alag dena. Okay, pata nahi wo abhi pehli baar ho raha hai na, ye to thoda confusion to rahega hi, ho sakta hai main bhi wrong bol raha hu, pata nahi, aisa mere ko to information yahan pe maine general instructions dikhaya na उसमें ही लिखा है, देखो एक बार कंफर्म कर लेना मैम से। ओके सूरज। यस सर, सर पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत ना, मतलब वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट, वो जब दो फंक्शन होते हैं s³ s⁴ होता है तो उसको कैसे स्प्लिट करना है, और बाद में वो psc+c कौन से पार्ट को, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना उसमें से। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन, ओके जी, पार्शियल फ्रैक्शन में ना 3 टाइप के फैक्टर यहां रखो, लीनियर, रिपीटेड लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लाइक सपोज दे गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, s/(s+1) s+2) s-3, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, if the bracket doesn't have any power it is called linear factor, so iska partial fraction bahut aasan hota hai, a upon first term, b upon second term, c upon third term, okay, ye bahut easy hota hai, isme a kaise aata hai, very easy, numerator likhne ka, aur denominator mein kya likhna hai, a nikalna hai na, a ke upon mein s+1 hai, so forget s+1, bacha kya, ये लिखा, एंड यू विल पुट एस एस, इफ इट इज s+1 पुट s-1, अगर यहाँ पे अपॉन में s-1 है तो पुट s+1, यू विल गेट ए, सिमिलरली यू कैन गेट बी एंड सी। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब मेरे को नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बिकॉज इट्स क्वाइट इजी, सो रिपीटेड लीनियर का सिनेरियो क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। सपोज यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, s/(s+1) s+2) का क्यूब या s^4 फॉर एग्जांपल, फॉर दैट मैटर, then we'll call it repeated linear factor. What do you mean by repeated linear? This some bracket raised to koi power hona chahiye, the whole raised to. Actually some meaning kya hai, s+2 the whole cube ka meaning hai, s+2 s+2 s+2, so s+2 to basically linear hota hai but wo 3 baar aa raha hai, iske liye usko bolte hai repeated linear. Clear? So yahan partial fraction kaise hoga, sabse pehle jo linear hai usko nikta do, तो a/(s+1) मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका कोई पावर नहीं है तो इसको एक कांस्टेंट दे के चुप करके बिठा दिया, फिर आता है ये वाला पार्ट, द होल क्यूब है, तो इसमें ऐसे लिखेगा b/(without any power) मतलब 1, फिर c/(s+2)² एंड देन d/(s+2) का क्यूब, मतलब यू विल स्टार्ट विद पावर एज 1 and then keep on increasing till the power which is given in the question. So had it been suppose yahan pe raised to 4 hota to ek aur aata e/(s+2)^4, theek hai, aise partial fraction karte hain. Ab isme a b c nikalne ke liye na lcm ka technique use karne ka, left side mein sirf numerator likho, right side mein lcm kaise lete hain dhyan dena, ye thoda sab log dhyan dena, a ke upon mein s plus 1 hai na, to left mein dekho, hamesha dekhna idhar hi hai na,
एस प्लस वन को छोड़ के क्या बचा, एस प्लस टू का क्यूब, वो लिख दिया। फिर बी लिखो, बी के अकाउंट में एस प्लस टू है, गोइंग लेफ्ट हैंड साइड, एस प्लस टू को छोड़ दो तो बचेगा एस प्लस टू का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक छोड़ा एस प्लस टू और एस प्लस वन बचा है, एस प्लस वन एस प्लस टू। सी के अकाउंट में एस प्लस टू स्क्वायर, तो स्क्वायर गया तो क्या बचेगा इसमें से, एस प्लस टू, एस प्लस वन एस प्लस टू। फिर डी के अकाउंट में क्या, एस प्लस टू का क्यूब, उसको छोड़ दो बचेगा क्या, एस प्लस वन। ये पूरा आपका एलसीएम है, यू स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ एस, जितना कांस्टेंट उतना एस का वैल्यू डालो, तो एक दो तीन चार, चार है पुट फोर वैल्यूज, तो एक वैल्यू तो ये हमेशा चोरी करके उठा लेगा, एस प्लस वन है ना तो एस को माइनस वन डालो, एस माइनस वन होता तो प्लस वन डालना, एस प्लस टू है तो माइनस टू डालो, आपको दो वैल्यूज आ जाएगा, कोई ना कोई दो वैल्यूज आ जाएंगे ए बी सी डी में से। फिर रैंडमली वैल्यू डालेगा, तो रैंडमली मेरे को सबसे बेस्ट लगता है जीरो, और देखो वन यूज हुआ है क्या, नहीं तो वन डाल दिया, कोई भी नंबर डाल सकते हो आप, वन अगर यूज हो गया तो माइनस वन डालो। फिर आपको दो इक्वेशन आएंगे, दो अननोन, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तीसरा इसमें फैक्टर होता है क्वाड्रेटिक वाला, तो सपोज यू गेट दिस सिचुएशन एस माइनस वन एंड एस स्क्वायर प्लस नाइन, तो क्वाड्रेटिक तो क्लियर कट दिखता है, एस स्क्वायर प्लस समथिंग वाला होता है, तो इसमें कैसे करते हैं, ए अपॉन लीनियर वाला हो गया, अब क्वाड्रेटिक विल टेक टू कांस्टेंट, सो बी एस प्लस सी, ये पैटर्न होता है। दिस इज हाउ वी गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें भी सॉल्व करने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा, एंड देन स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज। इस साक्षी रैंक इज आस्किंग इज बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट इन प्रोबेबिलिटी, यस बेस थ्योरम के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है मैम, यस, और बेस थ्योरम तो एकदम चिंदी था, सुपर चिंदी था, मैंने क्वेश्चन का सेट भी उसमें शेयर किया था आप लोगों से शायद, तो बस उतना ही कर रहा है वो। ओके हाँ, बी के लिए एस प्लस टू का स्क्वायर है ना, राइट, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बी के अकाउंट में एस प्लस टू एक ही था ना, तो स्क्वायर बचेगा। Yes, base theorem is important. So how do we know whether we have to solve using even odd function or solve normally in Fourier series? We will apply even odd function only if our interval is minus pi to pi or minus L to L, मतलब minus one से one, minus two से two. आप इवन ऑड फंक्शन तभी अप्लाई करोगे, ये ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन में इवन ऑड फंक्शन नहीं अप्लाई होता है, ओनली व्हेन योर इंटरवल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला, ठीक है, देन ओनली यू विल अप्लाई इवन ऑड फंक्शन। गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, नहीं काफी लोग कर रहे थे। ओके, पासिंग विल बी ऑफ ओवरऑल 80 मार्क्स, नहीं कैरेक्टर हां ओवरऑल रहेगा पासिंग, और एमसीक्यू के अलावा उसके लिए अलग ऐसा नहीं होगा। पीयूष, यस पीयूष, हेलो सर। हां पीयूष, हां सर, अपना रिग्रेशन पे क्या पढ़ना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट रिग्रेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? रिग्रेशन में देखो ऑब्जेक्टिव इफ यू कंसीडर, देन ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आर का बनेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है, आर का क्वेश्चन बन सकता है। सो यू वर देयर इन द बैच? एक्चुअली आई वाज इन द अदर बैच, सुन पाल्सर्स बैच। अच्छा अच्छा, तो उसमें एंड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे सर ने करवाए होंगे जो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम नेचर में रहेंगे, वो वाले आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में ना रिग्रेशन में एक तो नॉर्मल डेटा वाला क्वेश्चन होता है, यू विल बी सप्लाइड विद इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स एंड वाई, एंड देन दे विल आस्क यू एस्टीमेट वाई व्हेन एक्स इज 40। व्हाट डज दैट मीन? यू हैव टू गो फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, देन पुट एक्स इज 40। बट दिस बिकम्स वेरी इजी, काइंड ऑफ ऑब्वियस टाइप क्वेश्चन जो हर कोई सॉल्व कर लेता है, तो आपको कैसा आ सकता है सब्जेक्टिव में अगर आएगा, तो वो जो क्वेश्चन था
if there are two regression lines, 2x plus 3y equal to 6 and 5x minus 20y is equal to 18, remember? Then yes. Find x bar and y bar are then what was that? Sigma x if sigma y is 4. Do you remember this type of question? शाबाजी अरे ये टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में आने के चांसेस काफी है. एक लाइन ये दिया, एक लाइन ये दिया और बोला कि ये निकालो. सो हमको तो पता ही नहीं है कि वेदर दिस लाइन इज एक्स ऑन वाई लाइन और दिस इज एक वाई ऑन एक्स लाइन. वी डोंट नो दैट. सो वी हैड डन अ ट्रिक. हम लोग इसको साइड में ले जाके सेपरेटली सॉल्व करते थे. सो वी यूज्ड टू अज्यूम दैट दिस इज लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, देन दिस इज एक्स ऑन वाई. सो इधर से डी वाई एक्स आ जाएगा, इधर से बी एक्स वाई आ जाएगा एंड विल गेट आर. Your R value has to be between what? Minus 1 and 1. Agar wo uske beech mein aa gaya, that means your assumption is right. If your assumption is wrong, then you start solving with the otherwise assumption, isn't it? So this type of question is very important for subjective. Even for objective, you never know. Isme objective kaise ban sakta hai? If the two regression lines are this and this. Dhyan se suna. Then which of the following is correct? समझ रहे हो आप? मतलब question किस हद तक बना सकते हैं यार MCQ में. अभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे ही सामने बन गया. अब which of the following is correct में पहला option. This is line of regression line of y on x. This is regression line of x on y. फिर तीसरा option में r का value दे देगा. बोलेगा r is equal to 0.6 और तीसरा दे देगा for example byx का value. कुछ भी. तो आपको वही असम्पशन करके साइड में पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लेना, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन देखना है कि भाई कौन सा करेक्ट है. ठीक है? इसलिए मैंने बोला था ये ऑब्जेक्टिव आना. लोगों को क्या लगता है पता है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया ना तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी. व्हेन थिंग्स बिकम ऑब्जेक्टिव टाइप ना तब वो लॉजिकल बन जाता है. देन टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू जस्ट डोंट नीड दैट मगअप वाला कंसेप्ट. आपका दिमाग चलना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए आपके पास. So it actually becomes difficult. मतलब उसको difficult बनाया जा सकता है. Important self learning का क्या है? नहीं, self learning है कुछ नहीं भाई. Intersection is x bar and y. Yes. ये क्या होता है? ये x bar y bar क्या होता है? ये दोनों को simultaneously solve करने का. That is x bar comma y bar. Your voice is breaking, bro. I can't hear you. Or maybe 5 marks if it is Bendersmith method and 6 marks if it is Krang-Nicolson. Okay. So there are chances that he will come.
सर वो वाइब्रेशन स्ट्रिंग वाला ही चाहिए, अदरवाइज पीडी से तो कुछ बनेगा ही नहीं फिर। वाइब्रेशन स्ट्रिंग वाला भी है ना कुछ तो, वाइब्रेशन स्ट्रिंग, वाइब्रेशन स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन नहीं, उसका चांसेस कम है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग मींस यू आर सेइंग दैट वेव इक्वेशन राइट, या सॉल्यूशन वाला, दोस फाइव स्टेप वाला सॉल्यूशन, हां उसका चांसेस बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस आई कैन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो इफ यू हैव टाइम देन ओनली डू इट, इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन इग्नोर दैट। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड हीट इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आप नहीं इंटरेस्ट लो तो चलेगा, क्योंकि टाइम कम है इसके लिए। ठीक है, सो डू ओनली बेंडर्स स्मिट एंड क्रैंग निकोलसन। थैंक यू सर। All right. और भी अभी और नोट्स तो कभी पाएंगे, टाइम भी वैसे काफी हो रहा है। एग्जाम अपना 7th है, सॉरी 8th है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन प्रोबेबिलिटी प्लीज से। देखो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो बेस थ्योरम हिंदी था एकदम, क्लास में जो किया था उतना ही करना है। बेस थ्योरम के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन एमसीक्यूज, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी में जो मैंने स्टार्ट में, अच्छा मैंने बता भी दिया था शायद, दैट के वाला टाइप का क्वेश्चन होता है ना, फाइंड के मीन एंड वेरिएंस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो पूरा डिटेल में नहीं जाना है, वो के निकालने वाला क्वेश्चन, मीन और वेरियंस निकालने वाला क्वेश्चन, वो एक आपको करके जाना है। एंड देन एमजीएफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा चांसेस है कि एमजीएफ एंड दोस फोर मोमेंट्स अबाउट मीन एंड ओरिजिन वो आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से अगर आपको करना है तो उतना ही करके जाइए। जैक्स योर डाउट? यस सर। हेलो, यस ब्रो। सर सर लैपटॉप इज कंपलसरी और वी कैन गिव ऑन मोबाइल, बिकॉज आई डोंट हैव अ लैपटॉप सर। No, you can do it on mobile also. Device कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस मोबाइल पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर दैट कि वो प्रॉपर चले पूरे एग्जाम तक। लैपटॉप नेसेसरी नहीं है, हाँ बट अगर मोबाइल रहेगा ना तो मोबाइल को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, जस्ट मेक इट फिक्स्ड, नहीं तो वो लगेगा आपने एंगल वगैरह चेंज करोगे मोबाइल का ना, तो इट गिव्स अ फीलिंग कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। यस सर, आई एम फ्रॉम मेक बेंच। सर मैट्रेसेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से करने? मैट्रेसेस में इफ यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट ए रेज़ टू 50, यस, फंक्शंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स द लास्ट टाइप राइट, फॉर टाइप 5, सो दैट फंक्शंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यू शुड बी डूइंग, यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स राइट। Yes, sir. Then if you know that, the most important type is going to be diagonalization. Remember diagonalization? Yes, sir. AMGM. Yes, sir. Yes, sir. So you can expect one subjective question of diagonalization type. And if like, to be precise, if I say, for what we say, MCQs, you can get a simple question like this. I'll just tell you, जो भी मैट्रिसेस वाले ना ध्यान देना जरा। If A is then one of the eigen value of AQ plus I is, now they give you four options. अब देखते हैं, अभी वेरी गुड पीपल टू थिंक, प्रथमेश यू हेल्प मी आउट, विच वन इज द करेक्ट आंसर? नाउ दिस इज टाइप वन एंड दिस इज जस्ट आइगन वैल्यू, सो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।
I hope you remember, you must have done it in that batch, AQ plus I, this is going to give you that property of eigenvalue wala concept hai hai. So what we do is, we first find eigenvalue of this. Can you tell me what are the eigenvalues of A? Oh, Prathamesh is on mute. Okay, chalo main batata hu. Ab dekho, ye simple logic wala question ho gaya. Eigenvalue nikalne ka bada sa procedure hota hai. Aap sochoge, ye to lamba question ho gaya. Nahin, ye kaisa function hai? I mean, kaisa matrix hai? Upper triangular matrix. And if you have, you have an upper triangular matrix, its eigenvalues are same as diagonal elements. What are your diagonal elements? 2, 1, minus 1. So eigenvalue hoga 2, 1, minus 1. Ab isme se a cube ka kya hoga? Dekho, ye a ka hai, to a cube ka hoga 2 ka cube 8, 1 ka cube 1, minus 1 ka cube minus 1. I ka eigenvalue hota hai 1. So add 1. So 8 plus 1, 9. 1 plus 1, 2. Isme add kiya 0. So eigenvalues I'm getting is 9, 2 and 0. One of the eigenvalue bola hai. To isme se kaun sa main option mein aa raha hai? 9. This is correct. Clear? So ye hai abhi. Achha, sem 4 mein kaafi logo ko na, ye jin branches ko matrices nahi tha, un branches ko semester 4, M4 mein ye wala topic hai. So aisa subject, objective question ban sakta hai type 1 pe. And type 5, A raised to 50 wala type. Theek hai? Objective. Subjective diagonalization you should be doing. Kuch bhi ho jaye. And agar time milta hai, to Kelly-Hamilton theorem ke upar questions aata hai. Kelly-Hamilton ka question, wo bada sa equation wala. Find A raised to 8 plus 3 A raised to 7 minus 4 A raised to 6 and so on wala. Jisme aap log Kelly-Hamilton ke liye wo division karte the na, Kelly-Hamilton theorem wala. That. ठीक है, तो मैट्रिसेस के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया, अब आप लोगों को भी पढ़ने की जरूरत है. आई एम सॉरी कि मैं बहुत सारे डाउट्स और नहीं ले पाया, बिकॉज यहाँ पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो डाउट्स काफी एक साथ हो गए. सो टाइम इज नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट, बिकॉज अगर मैं यही चीज करते रह जाऊंगा, आप सुनते रह जाओगे, थोड़ी कुछ और ब्रांचेस की बातें, फिर कुछ और ब्रांचेस की बातें, तो आपका पर्सनल स्टडी नहीं हो पाएगा. सो अब टाइम कम है, आप लोग प्लीज अभी से डेडिकेशन से पढ़ना शुरू कर दो. हाँ, ये एक और चीज, आप कुछ डाउट्स वगैरह अगर आपको फिर भी रह जाते हैं, अभी जैसे काफी डाउट्स मैं यहाँ पे भी क्लियर नहीं कर पाया, सो डोंट वरी, आप विद्यालंकर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए. विद्यालंकर व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हर जगह आप मालूम भी होगा आपको. सो उस पे यू कैन शेयर योर डाउट्स, ठीक है, एंड अलाउ अस सम टाइम, विल आंसर, ठीक है. सो आपके सारे डाउट्स वहां पे भी क्लियर कर देंगे. ऑलराइट, ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपको एग्जाम के लिए बहुत 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 क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कभी दिया नहीं किसी को शुभकामनाएं ना कभी लिया. सो बस अच्छे से करके जाओ, जितना भी टाइम बचा है आपके पास, ऑर्डर जो मैंने बोला है वही ऑर्डर फॉलो करना. एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा आपको फरफट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, अभी मैंने आपके सामने गूगल पे सर्च करके दिखा दिया. आज अभी ये सेशन था तो मुझे कॉल आया कि हाँ भाई ये टाइम पे है, ऐसे ऐसे करना है, सो विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, तो मैंने इसे बस गूगल पे सर्च किया, देखो ऐसे ही मिल गया, ठीक है. और ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपने अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, लेक्चर्स अटेंड किए, टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव में भी तो वही आने वाला है, सिर्फ तरीका अलग है पूछने का, कंसेप्चुअल है, और हम लोगों ने कंसेप्चुअल ही पढ़ाई की है, ठीक है. सो अभी से लग जाओ पढ़ाई पे, यही पे रुकते हैं. सुबोध जी, विल एंड हियर. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम. थैंक यू गाइस.